टोरंटो में हुए आईफा फेस्टिवल में हुई दो बड़ी पार्टीज, एक पार्टी शाहरुख खान ने ऑर्गेनाइज की तो दूसरी पार्टी सोहेल खान ने। जहां शाहरुख खान ने सभी गेस्ट को बुलाया था तो वहीं सोहेल खान ने भी, लेकिन सिर्फ इनको छोड़कर। अब गेस्ट लिस्ट से प्रियंका चोपड़ा का नाम गायब हो जाने से सभी के जहन में एक सवाल फिर से खड़ा हो गया, क्या सलमान खान फैमिली से प्रियंका के रिलेशन अभी भी अच्छे नहीं हैं? क्योंकि सोहेल खान ने शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान तक को इनवाइट किया, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को नहीं। वैसे प्रियंका ने बातों ही बातों में इस बात को करण के चैट शो में कन्फेस किया था कि सलमान हैज समथिंग अगेंस्ट हर। प्रियंका ने ये भी कहा था कि उन्होंने सलमान के साथ क्लैरिफिकेशन की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सलमान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन्होंने खुद ही अपने आप को किनारा कर लिया। वैसे प्रियंका और सलमान के रिलेशनशिप में दूरियां तब भी आ गई थी जब प्रियंका ने सलमान की फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सलमान और प्रियंका के बीच डिफरेंसेस की खबरें तब खत्म हो गईं जब प्रियंका ने सलमान के शो में आकर किया रैंप वॉक। इस रैंप वॉक के बाद ऐसा माना जाने लगा कि सलमान और प्रियंका में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब सलमान की फैमिली ने टोरंटो में पार्टी रखी पर प्रियंका को गेस्ट लिस्ट से रखा बाहर। ऐसे में सवाल उठता तो लाजमी है कि क्या प्रियंका चोपड़ा के अभी भी खान खानदान से डिफरेंसेस हैं?